Assalamu alaikum friends, please go to my channel, subscribe it and press the bell icon so that you can receive the updates as soon as I upload it. Thank you. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं ग्रिल्ड लैम्ब चॉप्स, ग्रिल्ड वेजेस और मटर पुलाव। ये डिश देखने में बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जितनी देखने में अच्छी है उतनी खाने में भी अच्छी होगी इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपको चाहिए आधा किलो बेस्ट क्वालिटी का बासमती राइस, जिसको हमने खूब अच्छी तरह से धुल करके और एक लीटर पानी में आधे घंटे के लिए भिगा दिया है। अच्छी क्वालिटी की आपको चॉप्स चाहिए आधा किलो। इन चॉप्स को हमने कुछ बूंद वाइट विनेगर के साथ में 15 मिनट के लिए इसको भिगोया है, ताकि खूब अच्छी तरह से इसको साफ़ किया जा सके। 15 मिनट भिगोने के बाद इसको हमने खूब अच्छी तरह से धुल लिया है, और धुलने के बाद इसको हमने ड्रेन आउट करने के लिए स्ट्रेनर के ऊपर रख दिया है। इसको हेल्दी बनाने के लिए चॉप्स में हम तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। धुलने के बाद अब इन चॉप्स को हम मसालों में लगाएंगे। उसके लिए हमको एक टेबलस्पून हीप फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए, एक टीस्पून रेड चिली पाउडर चाहिए, एक टीस्पून हीप फुल कोरिएंडर पाउडर चाहिए, आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर चाहिए, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर चाहिए, एक टीस्पून ज़ीरा मिर्च पाउडर चाहिए, एक ही टीस्पून हमको नमक चाहिए। इन सब में हमने आधा कप पानी मिला करके खूब अच्छी तरह से हिला करके इसको रख छोड़ा है। गरम मसाले का वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से देख करके बना सकते हैं। ज़ीरा मिर्च पाउडर के लिए ज़ीरे और मिर्च को बराबर बराबर भून करके उसको पीस लीजिएगा। अब कुकर के ढक्कन को बंद करके इसको हाई फ्लेम के ऊपर एक सीटी आने तक चढ़ाते हैं। जब एक सीटी आ जाती है तो फ्लेम को सिमर करते हैं और इसको 20 से 30 मिनट तक, जैसा कि आपकी गोश्त की क्वालिटी है उसके हिसाब से, इसको हम फ्लेम के ऊपर चढ़ाए रखते हैं। जब तक चॉप्स गल रही हैं तब तक हम अपना मटर पुलाव बना लेते हैं। उसके लिए हमको चाहिए गर्म मसालों में 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच सिनेमन स्टिक दालचीनी का टुकड़ा और 2 अदद तेज पत्ते। अब एक प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करते हैं और इसमें वो सभी गरम मसालों के साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा वो भी डाल देते हैं। उसके बाद इसमें स्लाइस की हुई प्याज डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक इसको फ्राई करना है। अब 1 कप फ्रेश ग्रीन मटर लेना है, इसको खूब अच्छी तरह धुलने के बाद इसका पानी ड्रेन आउट करना है और इसको उन्हीं मसालों के साथ मिला करके 2-3 मिनट तक इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके इसको फिर से फ्राई करना है। तेज़ आँच के ऊपर इसको 2-3 मिनट फिर से फ्राई करना है। अब बारी आती है हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। जी हाँ, सीक्रेट इंग्रेडिएंट। डिटेल फॉर दिस सीक्रेट इंग्रेडिएंट विल बी इनबॉक्स्ड ऑन डिमांड। इसको ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चुटकी या आधा चम्मच ही डाल करके इसमें से पहले से भिगोया हुआ चावल और साथ में 3 हरी मिर्चें डाल करके और अच्छी तरह से मिला करके, साथ में वो पानी भी जाएगा जिसमें चावल भिगोए थे, सारा का सारा डाल करके कुकर के ढक्कन को बंद करके इसको पूरा चावल पकने तक, दम लगने तक इसको पकाना है। इस बीच चॉप्स गल चुकी हैं, जब तक चावल हमारा दम लग रहा है तब तक हम चॉप्स का और वेजिटेबल्स को हम प्रोसेस कर लेते हैं। इसके लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, प्याज, टमाटर और खीरों को
इस तरह से जैसे दिखाया है इस तरह से हम उसको कट कर लेंगे। खीरों को लंबाई में कट करके उसके तीन हिस्से कर लेंगे, दूसरे को भी तीन हिस्से करके छह हिस्से ये हो गए। उसके बाद हम टमाटर को दोनों साइड इसकी काट करके जिसमें जो इसका ख़राब पार्ट होता है उसको निकाल देंगे, और उसके बाद इसको भी बीच से हम स्लाइस कर लेंगे, स्लाइस करके इसको हाफ़ कर लेंगे। इसी तरह से प्याज को भी हम बीचों बीच से काटेंगे मोटा, इस तरह से काट करके और अपने पास पर तैयार करके रख लेंगे। हरी मिर्ची ली है हमने तकरीबन पाँच, इनकी डंडियों को काट देंगे। अब हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोल करके और ये जो हमारे पास में चॉप्स तैयार हुई हैं इसमें थोड़ा सा सूप बचा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त उसकी खुशबू आ रही है। ये हमने सिरेमिक पैन लिया हुआ है ग्रिलिंग के लिए, आप चाहें तो इसके लिए मोटे तले का कोई भी तवा ले सकते हैं। इसमें हमको इन चॉप्स को डाल देना है एक साइड से ताकि इसका पानी हमारा खुश्क हो जाए और ये गोल्डन हो जाए। सब्जियों को भी हम एक साइड से डाल देंगे। देखिए इसकी जो है कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आ रही है, ये जो है पानी इसका सूख रहा है और साथ में सब्जियां भी इसकी जो है पक रही हैं। जब पानी सूख जाएगा तो इसमें सिर्फ ऑयल बचेगा, उन ऑयल के साथ में ये सिरेमिक जो हमारा पैन है बहुत ही अच्छा ग्रिलिंग इफ़ेक्ट देता है। तो चॉप्स हमारी और सब्जियां हमारी एक साइड से पूरी तरह से ग्रिल हो जाएंगी, इनके ऊपर जो है वो गोल्डन सी एक लेयर दिखाई देने लग जाएगी। जब तकरीबन 4-5 के लिए इसको हाई फ्लेम पे करेंगे और उसके बाद हम इसको साइड को फ्लिप कर देंगे, चॉप्स की भी साइड को फ्लिप कर देंगे, सब्जियों की भी साइड को फ्लिप कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये हमारी गोल्डन हो जाएं। ये देखें एक साइड से फ्लिप करने के बाद सब्जियों के ऊपर प्याज के ऊपर किस तरह से गोल्डन कलर आ गया है, हमारी चॉप्स के ऊपर भी गोल्डन कलर आ गया है। अब ये पूरी तरह से रेडी है। इस सभी प्रोसेस के दौरान मटर पुलाव रेडी हो गया है। अब चलते हैं फुल डिश अरेंजमेंट के ऊपर। उसके लिए हम एक बड़ी सी डिश लेते हैं और इसके ऊपर मटर पुलाव को चारों साइड, इस डिश के चारों साइड में फैला देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम एक एक करके अपनी ग्रिल्ड वेजिटेबल्स रखेंगे, बीच में ग्रिल्ड चॉप रख देंगे। ये मेरा सर्विंग सजेशन है, आप इसको अपने हिसाब से भी सजा सकते हैं, अपने हिसाब से सर्विंग कर सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और खाने में तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आपने देखा होगा मैंने किसी भी तरह का तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा तेल फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया है मटर पुलाव को, बस उसके अलावा मैंने किसी तरह का कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया है। चॉप्स और सब्जियों को ग्रिल करते टाइम जो भी तेल पैन में बच गया था उसको हमने पैन में ही छोड़ दिया है। मसाले भी बहुत कम हैं, तो ये एक तरह से हेल्दी डिश भी है। थोड़ा सा इसमें यह है कि चॉप्स के साथ में थोड़ी सी फैट हैं, आप चाहे तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी किस्म की, बहुत ही लाजवाब किस्म की डिश तैयार हो गई है। आप इसको ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, मुझको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। साइनिंग आउट विद सम स्नैपशॉट्स ऑफ द डिश।